So in chapter 7, solution and electrolyte, we are going to start a very important topic which is also in your smart syllabus, that is oxidation number. तो आज हम समझने वाले हैं कि oxidation number हम किसे कहते हैं और किस तरह से oxidation number को find out किया जाता है. अगर आपको आज oxidation number निकालना आ जाएगा तो next class में जब हम ion electron method के थ्रू chemical equations को balance करेंगे तो वो भी करना आपके लिए आसान हो जाएगा. तो नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है ना उसकी तैयारी के लिए आज के लेक्चर हम यहाँ पर ले रहे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, कि कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको बताना चाहिए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कहते किसे. तो समहाउ ऑक्सीडेशन नंबर को बहुत सारे बच्चे इस ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट को जो है वो वैलेंसी के कॉन्सेप्ट से मिक्स कर देते हैं. उनको लगता है कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी जो है वो एक ही चीज़ है, बट देर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी. ठीक है, तो अब क्या फर्क है, वैलेंसी किसे कहते हैं. वैलेंसिंग इज द इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंड लूजिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम. इलेक्ट्रॉन गेन करने की और लॉस करने की सलाहियत एक एटम की, उसको हम कहते हैं वैलेंसी. या हम ये भी कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी. किसी भी एटम को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेना या देना पड़ता है उसको वैलेंसी कहते हैं. ठीक है, तो वो तो हम क्लास 9 से ये कॉन्सेप्ट हम लेकर आ रहे हैं. जैसे सोडियम के वैलेंसी हम +1 पढ़ते हैं, क्यों, चूंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. क्लोरीन की वैलेंसी -1 पढ़ते हैं, क्यों, चूंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. ये वैलेंसी कहलाती है. पीरियोडिक टेबल के अंदर हम देखते हैं ना कि हम पीरियोडिक टेबल डिजाइन करते हैं ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 8 तक, तो उसमें हम वैलेंसीज लिखते हैं कि 1A की +1, 2A की +2, 3A की +3, 4A की +-4, इस तरह से होता है ना. तो ये हमारे पास वैलेंसीज कहलाती हैं, क्यों, चूंकि ग्रुप 1A के लास्ट सेल में कितने भाई एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर पर ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो +1 वैलेंसी है. 2A ग्रुप के लास्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे जितने भी एटम्स हैं, तो वो क्या करते हैं अपने दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं. ठीक है, 3A ग्रुप के एलिमेंट्स के लास्ट सेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है तो तीन इलेक्ट्रॉन लॉस करके +3 वैलेंसी लेते हैं. 4A ग्रुप के लास्ट सेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चार गेन भी कर सकते हैं चार लॉस भी कर सकते हैं, तो उनकी +-4 होती है. 5A ग्रुप जो नाइट्रोजन फैमिली है उसके लास्ट सेल में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करेंगे भाई ये पांच इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में, तो तीन इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो वैलेंसी -3 होती है. 6A ग्रुप के लास्ट सेल में छह इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे तो वैलेंसी क्या आ जाएगी -2. 7A ग्रुप के लास्ट सेल में सात इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पूरी कर लेंगे, वैलेंसी -1 हो जाएगी. 8A ग्रुप के लास्ट सेल में एट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको लॉस या गेन करने की जरूरत नहीं होती, जो कि ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑलरेडी स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, स्टेबल एटम्स हैं, तो 8A ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है 0. तो ये तो वैलेंसी है जो क्लास 9 से हम पढ़ के आ रहे होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं बताई मैंने अभी आपको. क्या बोले सर ये तो बिल्कुल नई बात बताई अपने वैलेंसी की, वैलेंसी तो पता होती है आपको. जो नया पढ़ने वाले जो 9 के कोई भी बच्चे नहीं जानते वो है ऑक्सीडेशन नंबर. तो वैलेंसी क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करने की सलाहियत. जबकि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कहते हैं भाई, इट इज द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर. जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर जब एटम में अपेरेंट चार्ज आता है, अपेरेंट के मतलब आप ये कह सकते हैं फेक चार्ज आता है, या इसको आप अपेरेंट चार्ज क्यों भी कह सकते हो, कि जब कोई वेरिएबल के जो उसके ऊपर जो वेरिएबल चार्ज आता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम पर, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. और वो वेरिएबल चार्ज आता है तो वो चेंज हो सकता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है. वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी हमेशा कांस्टेंट होती है. सोडियम की वैलेंसी हमेशा +1 रहेगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा -2 रहेगी, लेकिन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकती है, कभी -2 हो सकती है, कभी -1 हो सकती है, कभी -1/2 हो सकती है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकती है. 9 क्लास में आपने पढ़ा था उसमें ऑक्सीजन ऑक्साइड्स के टॉपिक के अंदर, तो वहाँ आपने नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, बहुत सारे ऑक्साइड्स पढ़े थे 9 क्लास में, चैप्टर 13 था, तो उसके अंदर आपने पढ़ा था ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल ऑक्साइड में -2 होती है, पर ऑक्साइड में -1 होती है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन के उसके अंदर. तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है, वो कांस्टेंट नहीं होती, वेरिएबल होती है, और वैलेंसी हमेशा होल नंबर में होती है 1, 2, 3, 4 ऐसे. ठीक है, लेकिन जो आपका ये है ऑक्सीडेशन नंबर है वो किस में हो सकता है, वो होल नंबर में तो हो सकता है, उसके साथ साथ फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, -1/2 इस तरह से भी आ सकता है, -3/4 ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वैलेंसी कभी अपॉन में नहीं आती, वो हमेशा होल नंबर में होती है. बस समझ में आ गया, तो डिफरेंस एग्जाम में बनाएं कि वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं मिक्सअप कर देते हैं दोनों कॉन्सेप्ट को, बट दिख फर्क है इनमें, मेजर फर्क मैंने आपको बताया. अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे, वैलेंसी का तरीका तो मैंने आपको बताया, वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो जिस ग्रुप नंबर को देखकर. तो ये आता कैसे ऑक्सीडेशन नंबर, यही मैं इसी के बारे में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये किस तरह से हम बताते हैं, किस तरह से एक चार्ज आता है ऑक्सीडेशन नंबर, किस तरह से अपेरेंट चार्ज किसी एटम के ऊपर आ रहा होता है,
इस चीज़ के बारे में डिपेंड करते हैं, क्योंकि जब किसी एटम पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही होती है तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर आने के रिस्पॉन्सिबल बाकी स्पीशीज होते हैं जिसके साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो पेपर में एक बार ये भी आया था कि सिंटेक्स मतलब कराची बोर्ड के पेपर में कि भाई आप राइट डाउन द रूल्स फॉर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। पास्ट पेपर में ऐसा भी सवाल आप देखोगे 10 ईयर्स में। तो भाई आप रूल्स बताए तो रूल्स को भी आपको एक बार लिखने के लिए आ गया था, वरना ज़्यादातर उन रूल्स से क्वेश्चन आते हैं जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला रूल क्या है भाई, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज जीरो। अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में लिखा है, फ्री स्टेट मतलब होता है कि अकेली हालत में अगर लिखा है, अकेला अगर कोई एलिमेंट लिखा है जिसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट कंबाइंड नहीं है, उसको हम कहते हैं फ्री स्टेट। तो उस सूरत में हमेशा उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगी। पहली बात है देखो, सोडियम अकेला लिखा हुआ है तो जीरो, पोटेशियम अकेला लिखा हुआ जीरो, कैल्शियम अकेला लिखा हुआ जीरो, क्लोरीन अकेला लिखा हुआ जीरो, ऑक्सीजन अकेला लिखा हुआ जीरो, नाइट्रोजन अकेला लिखा हुआ जीरो। अलोन मतलब किसी और एलिमेंट के साथ नहीं है, अकेला है। अब मेटल्स तो राइट से पता है मोनोटॉमिक स्टेट में रहते हैं, और गैसेस जो है वो गैसेस हमेशा डायटोमिक स्टेट में रहते हैं, तो इसलिए मैंने Cl2O2N2 लिखा, लेकिन होगा जीरो सबका, चूंकि अकेला है, कोई दूसरा एलिमेंट कंबाइंड नहीं हो रहा। पहला रूल समझ में आ गया सिंपल। सेकंड रूल, इन अ कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर व्हाइल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। एक कंपाउंड के अंदर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है कि पावर ऑफ एन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर टू अट इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन खींच के नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। और मैंने आपको टॉपिक के अंदर चैप्टर 3 में बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स भी बताए थे कि टॉप से बॉटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज हो रही होती है, लेफ्ट से राइट इंक्रीज हो रही होती है। तो IBR जैसे मिसाल के तौर IBR आयोडोब्रोमाइड। अब आयोडीन और ब्रोमीन दोनों 7A ग्रुप के एलिमेंट हैं, आयोडीन भी -1 होता है, ब्रोमीन भी -1 होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ हुआ है। वजह क्या है, IBR के अंदर देखो आयोडीन और ब्रोमीन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आप जानते हैं एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। फ्लोरीन की ज़्यादा है, क्लोरीन की उससे कम है, ब्रोमीन की उसके कम है, आयोडीन की ब्रोमीन से भी कम है। तो मतलब आयोडीन की कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ब्रोमीन की ज़्यादा है, तो क्या होगा ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेगा और आयोडीन पॉजिटिव चार्ज ले लेगा अपने ऊपर। समझ गए, अगर कोई कंपाउंड है तो हम ये देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नेगेटिव होते हैं और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट OF2। अब ऑक्सीजन आपको पता है -2 होता है नॉर्मली, फ्लोरीन -1 होता है, बट अब मॉलिक्यूल की जब किसी कंपाउंड में अटैच हो गया तो अब देखो क्या चार्ज इसके ऊपर आ रहा है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, लेफ्ट से राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, 4.0 जिसकी वैल्यू है, तो फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई हो ही नहीं सकता, तो उसके बाद ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऐसे, तो इसमें प्लस आ गया उसमें माइनस आ गया, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो माइनस चार्ज चलेगा और जो ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो प्लस चार्ज चलेगा। ठीक है, तो रूल नंबर 2 ये हो गया हमारे पास। रूल नंबर 3, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू 0। टोटल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमेशा 0 के बराबर होगी, पूरे कंपाउंड की। मिसाल के तौर पर जैसे ये +1 ये -1, पूरे कंपाउंड के निकालो, +1 -1 कट के क्या हो गया 0 हो गया। ओवरऑल कंपाउंड की 0, कार्बन डाइऑक्साइड ओवरऑल कंपाउंड की 0, HCl ओवरऑल कंपाउंड की 0, सल्फ्यूरिक एसिड ओवरऑल कंपाउंड की हमेशा 0 होगी, पूरे कंपाउंड की हमेशा 0 होगी। ठीक है, और कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ होगी, फिर वो ऊपर सेकंड रूल के लिहाज से देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से। थर्ड फोर्थ रूल क्या है, व्हेन हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन कंबाइंस विद मेटल देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। जब हाइड्रोजन किसी मेटल से मिल जाएगा, चूंकि हाइड्रोजन की बात याद रखें, हाइड्रोजन +1 -1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन किसी मेटल से मिलेगा तो क्या करेगा, माइनस चार्ज अपने ऊपर ले लेगा। जैसे NaH, हाइड्रोजन के साथ मेटल मिला हुआ है सोडियम, तो सोडियम प्लस चार्ज और हाइड्रोजन माइनस चार्ज ले लेगा। LiH लिथियम मेटल है तो प्लस, तो हमेशा जब मेटल के साथ कंबाइन होगा हाइड्रोजन तो प्लस अपने ऊपर माइनस चार्ज लेगा। रूल नंबर 5 क्या है कि जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा भी, +1, फिर वो +1 चार्ज लेगा। जैसे HCl, HF, HBr, HI, इसमें हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो रहा है, सारे नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन हो रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, तो उस पर क्या होगा हाइड्रोजन अब देख रहे हैं +1 ले रहा है, बाकी जगह नॉन मेटल्स हैं वो सारे माइनस चार्ज ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन मेटल के साथ भी कंबाइन हो सकता है, नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन हो सकता है, मेटल के साथ कंबाइन होगा तो -1 चार्ज जाएगा, नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो फिर प्लस चार्ज आएगा। सिंपल ये रूल 4 और 5 एक साथ मिलकर पढ़ना है। आखिरी रूल है रूल नंबर 6, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ पॉलीएटॉमिक आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। पॉलीएटॉमिक आयन, अब आयन्स के बारे में अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको है, किसी भी एटम पर कोई चार्ज आ जाता है तो फिर वो आयन बन जाता है, किसी एटम पर चार्ज आ गया तो वो आयन बन गया। ठीक है, जैसे Cl क्लोरीन है, Cl माइनस कर दो तो आयन बन गया, है ना भाई, Na एटम है, Na प्लस कर दो आयन बन गया। अब कुछ हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन मतलब ऐसे आयन्स जो कि मोर देन 1 एटम पर मुश्तमिल होते हैं, ऐसे भी आयन्स आपने देखे होंगे, सल्फेट,
पांच एटम से मिलकर बनता है SO4, एक सल्फर, चार ऑक्सीजन। सल्फेट आइन सुना है ना, कार्बोनेट CO3, एक कार्बन, तीन ऑक्सीजन, चार एटम, पोलियोटोमिक आयन है। हाइड्रोक्साइड आइन OH, सुना है, ओ दो एटम से मिलकर बन रहा है, तो ये सारे हमारे पास पोलियोटोमिक आयन होते हैं। बहुत सारे और हैं, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्सिलेट, फॉर्मेट, एसीटेट, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तो हर बच्चा जानता है, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, ये तो बचपन से पढ़ रहे होते हैं, 9th क्लास से। तो ये कहलाते हैं पोलियोटोमिक आयन, जो एक से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल होते हैं। तो पोलियोटोमिक आयन पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो उसका चार्ज होता है। सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, SO4 पर, तो -2 इस पूरे सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पोलियोटोमिक आयन है। अमोनियम NH4 पर +1 चार्ज होता है, तो NH4 का ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया। कार्बोनेट CO3 का कितना होता है भाई, -2 होता है, तो इस पर जो है वो टोटल चार्ज -2 आ गया। फॉस्फेट PO4 का -3 होता है, तो इस पर चार्ज आपका -3 आ गया। तो अगर कोई पोलियोटोमिक आयन है तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो लेट मी रिपीट द रूल्स अगेन, फिर से मैं रूल आपको रिपीट कर देता हूं। अकेला अगर कोई एलिमेंट लिखा है तो 0, अकेला अगर कोई एटम है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई कंपाउंड है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो नेगेटिव लेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, कम वाला पॉजिटिव ले लेगा। थर्ड रूल, ओवरऑल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फोर्थ रूल, जब हाइड्रोजन किसी मेटल से मिलता है तो हाइड्रोजन -1 चार्ज लेता है। नेक्स्ट फिफ्थ रूल, जब हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है तो हाइड्रोजन जो है फिर वो +1 चार्ज लेता है। और आखिरी रूल कि जब कोई पोलियोटोमिक आयन है तो जितना उस पर चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। बस समझ में आ गए सारे क्या रूल्स मैंने लिखे, एग्जांपल वगैरह एग्जांपल सबके साथ मैंने लिखा ताकि आप समझ जाओ उसको, ठीक है भाई। उसके बाद ये वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में फर्क भी मैंने आपको बताया, और ये मैंने जो प्रोडक्ट टेबल नेचर डिजाइन किया है ना, ये इसके लिए है कि इसको हम जरूरत पड़ती है जब हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा वैलेंसीज को। बस समझ में आ गए सारी। क्वेश्चन ये आता है पेपर में, अब या तो रूल्स लिखने के लिए आ जाएगा या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर इन द फॉलोइंग, क्या भाई इन सवालात के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो मैंने कुछ 12 सवालात इसमें लिखे हैं, सारे नहीं आते पेपर में, कुछ आ जाएंगे, और मैंने किसी एक एक सवाल के अंदर एक से ज्यादा कंपाउंड्स को भी रखा हुआ है। तो काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने लिख दिए, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के अंदर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे पहला है SnCl2 और SnCl4 में SN की टिन की ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करें, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें SN की मालूम करना है इन SnCl2 एंड SnCl4, ठीक है। तो दो अलग अलग सवाल हैं, एक ही के अंदर दो सवाल डाले हैं मैंने। तो पहले मैं बता दूं कि SnCl2 के अंदर SN की जो है वो कितनी होगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ओवरऑल आपको पता है पूरे मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है पूरे कंपाउंड की ओवरऑल, वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है, ठीक है, जॉइन डन। अब जैसे आपने मॉलिक्यूलर मास 9th क्लास में फाइंड आउट किया था, सेम वैसे ही करना है, ठीक है। लेकिन आपको एटॉमिक मास के बजाय जो है वो क्या करना है, आपको यहाँ पर वैलेंसी रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको ओपन अप कर देते हैं, SN+Cl(4)=0, सही है। इसी तरह से एटॉमिक मास भी फाइंड आउट करते थे, SN की मालूम करना है, SN की ऐसे ही छोड़ दो प्लस, और क्लोरीन की कितनी होती है वैलेंसी, अब यहाँ पर देखो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, Cl7 ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंसी होती है -1, ठीक है। तो -1×4=0, तो ये हो जाएगा SN-4=0, और SN कितना निकल गया, −4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। इसका मतलब SnCl4 में SN की जो है वो कितनी निकलेगी, +4 निकलेगी। अब अगर यही अगर SnCl2 में कहा जाए निकालनी है, तो फिर सेम उसी तरह से SN+Cl×2=0, SN+-1×2=0, SN-2=0, SN कितना निकल गया, मुश्किल है क्या बहुत, बस हो गया ये, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन वी हैव के ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है OF2 में, Na2O2 में, और साथ में KO2 में बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें कि OF2 में कैसे बतानी है, सेम मेथड मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले OF2 देखते हैं, OF2=0, ओपन अप कर लेते हैं, O+F×2=0, वैलेंसी ऐड कर लेते हैं, ऑक्सीजन की बतानी, ऑक्सीजन को छोड़ दो, O+ और फ्लोरीन की -1 होती है, × 2=0, ठीक है, और O-2=0, और O कितना आ गया, +2, ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड आते इसके बाद Na2O2, ठीक है, Na2O2 बराबर किसके हो गया ओवरऑल, 0 के, ठीक है। तो Na×2+O×2=0, ठीक है,
सोडियम की, चूंकि ऑक्सीजन की निकालनी है उसको छोड़ दो, सोडियम की रख लो, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन, वैलेंसी इसकी प्लस वन इंटू टू प्लस ओ इंटू टू इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा टू, टू प्लस ओ इंटू टू इक्वल टू जीरो, प्लस का टू इधर जाएगा माइनस का टू, ओ इंटू टू इक्वल टू माइनस का टू, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय टू इधर जाएगा डिवाइड बाय टू, ओ इक्वल टू माइनस टू डिवाइड बाय टू, ये कट जाएगा, ऑक्सीजन कितना निकल जाएगा माइनस वन, ठीक है माइनस वन निकल गया। इसका मतलब ये जो ऑक्साइड आपके पास बना हुआ है ये ऑक्साइड असल में पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन माइनस वन पे होता है, बताना नहीं है आपको जिसमें आपको नॉलेज दे रहा हूँ नाइन्थ क्लास में क्यों इसको पर ऑक्साइड सोडियम पर ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट पर निकलता है इसमें। तो सेकंड हो गया ना, थर्ड वन के ओ टू, ठीक है पुट के ओ टू का निकालना है तो के ओ टू बराबर किसके हो गया भाई जीरो के, ठीक है के प्लस ओ इंटू टू इक्वल टू जीरो, ठीक है अब यहाँ पर के की लगा देते हैं पोटेशियम प्लस वन प्लस वन प्लस ऑक्सीजन इंटू टू इक्वल टू जीरो, तो ऑक्सीजन इंटू टू इक्वल टू माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू को धर लेगा क्या हो गया माइनस वन अपॉन टू, ठीक है ये ऑक्सीजन की माइनस वन अपॉन टू फ्रैक्शन में निकल गई, ऑक्सीडेशन रेट फ्रैक्शन में आ सकती है, कोई मसला नहीं है मैंने बता दिया आपको। अब चूंकि माइनस वन अपॉन टू आया तो ये असल में एक तरह का सुपर ऑक्साइड है, नाइन में पढ़ा था कि माइनस वन अपॉन टू ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सुपर ऑक्साइड्स के अंदर, क्लियर समझ में आए ये तीनों सवाल। लेकिन थर्ड है उसके बाद SF6H2SO4H2S2O7, अब इसी में सल्फर की निकालनी है तीनों में ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं आपको शॉर्टकट वे बता रहा हूँ कि कैसे आप निकाल सकते हैं, अगर समझ में आए तो बता देना। जैसे सबसे पहले SF6 है इसमें निकालनी है, तो देखो किस तरह से निकालेंगे, फ्लोरीन एक फ्लोरीन का होता है माइनस वन और छह फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, एक का माइनस वन होता है तो सिक्स का कितना हो जाएगा प्लस सिक्स, सॉरी एक का माइनस वन है सिक्स का माइनस सिक्स हो जाएगा। अब इसको जीरो करने के लिए, ओवरऑल मॉलिक्यूल जीरो होता है ना, इसको जीरो करने के लिए सल्फर को कितना होना पड़ेगा प्लस सिक्स, प्लस सिक्स माइनस सिक्स जीरो हो जाएगा ओवरऑल, जो इसका लिखा उसका बिल्कुल एडिटिव इनवर्स जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स में एडिटिव इनवर्स, इनवर्स उसका लगा देना, समझ में आ गया। यही चीज अगर तुम यस अगर तुम यही अगर इस तरह से बनाओगे एस प्लस एफ इंटू सिक्स इक्वल टू जीरो, एस प्लस माइनस वन इंटू सिक्स इक्वल टू जीरो, एस माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू प्लस सिक्स, तब भी वही निकलेगा सेम। अच्छा अब देखो एक और, अब ये सेकंड ये रूल हर जगह पर लग जाएगा शॉर्टकट का, देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड नॉर्मली अगर आप इसको रूल्स के अकॉर्डिंग बनाए तो फिर उस सूरत में कैसे बन रहा होता है, अगर सल्फर की निकालनी है ना इसमें H इंटू टू प्लस एस प्लस ओ इंटू सेवन इक्वल टू जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस वन इंटू टू प्लस एस प्लस माइनस टू इंटू सेवन इक्वल टू जीरो, प्लस टू प्लस एस माइनस फोर्टीन जो है वो सॉरी फोर है, सॉरी फोर है ओके, माइनस फोर टू ज़ा एट, माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो एस हो गया यहाँ पर एट माइनस टू, एस कितना निकला प्लस का सिक्स निकला या सिर्फ सिक्स कह सकते हैं। अब इसी चीज़ को शॉर्टकट वे पर देखो कैसे बता रहा हूँ, सुनो एक हाइड्रोजन का प्लस वन होता है, दो का कितना हो गया एक ऑक्सीजन का माइनस टू होता है, माइनस टू होता है चार का कितना हो गया माइनस एट, माइनस एट और प्लस टू कितना हो गया एक का माइनस टू, तो टू फोर दैट माइनस एट प्लस टू कितना होता है, तो सल्फर को कितना होना पड़ेगा जीरो करने के लिए, रिवर्स प्लस सिक्स वही निकला, ठीक है ये शॉर्टकट में भी। एक और देखो H2SO7 H2SO7 इसके अंदर शॉर्टकट वे पर निकालते हैं, ठीक है एक हाइड्रोजन का कितना प्लस वन, दो का कितना प्लस टू, एक ऑक्सीजन का माइनस टू, सात का कितना हो गया माइनस फोर्टीन, अच्छा 14 और माइनस फोर्टीन और प्लस टू कितना हो गया माइनस ट्वेल्व, तो सल्फर का कितना होना चाहिए प्लस ट्वेल्व, लेकिन यहाँ क्या लिखा है H2 मतलब वो टू मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड पे तो होगा, तो 12 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 6, तो प्लस 6 आ गया, जहन में निकाल सकते हैं पूरा का पूरा, इसको आप सॉल्व करके निकालो तब भी वही निकलेगा, क्लियर है। देखिए फोर्थ है Cl का निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर HClO, HClO2, HClO3, HClO4 शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है शॉर्टकट वे HClO, HClO2, HClO3, HClO4। देखो आप जरा गौर से समझो कैसे निकाल रहा हूं मैं शॉर्ट में, हाइड्रोजन प्लस वन होता है, ऑक्सीजन कितना होता है माइनस टू, क्लोरीन का निकालना है तो उसका नहीं लिखना कुछ भी, प्लस वन माइनस टू कितना हो गया प्लस वन माइनस टू कितना हुआ माइनस वन हुआ, और क्लोरीन का निकालना है तो इन्वर्स कर लो माइनस वन का कितना हो जाएगा प्लस वन, समझ में आ गया प्लस वन कैसे है। और देखो हाइड्रोजन का
प्लस वन, एक ऑक्सीजन का माइनस टू, दो का कितना हो गया माइनस फोर, माइनस फोर प्लस वन क्या हो गया माइनस थ्री, तो सीएल का कितना निकल जाएगा प्लस थ्री। यहां देखो हाइड्रोजन का प्लस वन, एक ऑक्सीजन का माइनस टू, तीन ऑक्सीजन का माइनस सिक्स, माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव, तो क्लोरीन का कितना निकल जाएगा प्लस फाइव। हाइड्रोजन का प्लस वन, ऑक्सीजन का एक का माइनस टू, चार का फोर टू जा एट, माइनस एट, माइनस एट प्लस वन माइनस सेवन, तो क्लोरीन का कितना निकल जाएगा समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन फाइव देख लो, क्वेश्चन फाइव में एक ये वाले में मसला आएगा सबको, चार्ज वाले में, इस बाकी इन दोनों में कोई मसला नहीं है, ये दोनों बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन एक का प्लस वन, तीन का प्लस थ्री, एक ऑक्सीजन का माइनस फोर और माइनस टू और चार का माइनस एट, तो माइनस एट और प्लस थ्री ये हो जाएगा माइनस का फाइव, तो फॉस्फोरस कितना निकल गया प्लस का फाइव। हाइड्रोजन थ्री प्लस थ्री हो गया, एक ऑक्सीजन का माइनस टू, तीन का माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स और प्लस थ्री माइनस थ्री, फॉस्फोरस कितना निकल गया, ये तो सिंपल है। अब आ जाओ PO4 माइनस थ्री, मैं इसको दोनों तरह से निकाल कर दिखाता हूँ, क्योंकि चार्ज वाला है तो ओपन, तो मैं इसको सिंपलीफाई भी करके दिखाता हूँ और शॉर्टकट मेथड भी दिखाता हूँ दोनों से। तो पहले मैं आपको सिंपलीफाई करके दिखाता हूँ, पी प्लस ओ मल्टीप्लाई बाय फोर। अच्छा अब चूंकि ये पॉली एटॉमिक आयन मौजूद है तो अब ये इक्वल टू जीरो के बजाय इक्वल टू माइनस थ्री हम इसको कर देंगे, ये हो जाएगा पी प्लस माइनस टू इंटू फोर इक्वल टू माइनस थ्री। तो असल में क्या है, देखो जो चार्ज लगा हुआ ना पीओ फोर, ये इस पर चार्ज पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है पहले से चार्ज, बाकी देखो किसी पर भी इस सवाल से पहले तक किसी भी सवाल पे ऊपर चार्ज नहीं लगा हुआ था, तो हमने इक्वल टू जीरो लिया सबको। यहां पर जो कि चार्ज लगा हुआ है तो मैंने यहां पर आपको रूल में भी बताया है कि अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है तो उसके ऊपर जो चार्ज लगा है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये हो जाएगा माइनस एट इक्वल टू माइनस थ्री, तो पी इक्वल टू माइनस थ्री प्लस का एट, तो फॉस्फोरस क्या गया यहां पर एट में से थ्री निकाल दो तो प्लस का फाइव, तो प्लस का फाइव आ गया। ये तो मैंने आपको बताया सिंपलीफाई करके आप कैसे कर सकते हैं। एक छोटी सी बात समझ लें कि बस चार्ज जो लगा होगा वो इक्वल टू के राइट साइड पे आ जाएगा, जीरो के बजाय हम चार्ज लगा देंगे, बाकी सब में जीरो क्यों लगाएंगे बिकॉज ये कंपाउंड है। अब शॉर्टकट पेपर अगर आप इसको देखो तो थोड़ा सा एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब यहां पर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है माइनस टू और चार का कितना हो जाएगा माइनस एट, चार का माइनस एट हो जाएगा। अब ये माइनस एट जब उधर जाएगा तो प्लस एट हो जाएगा, लेकिन वो प्लस एट के साथ फिर माइनस थ्री भी लग जाएगा, तो प्लस एट माइनस थ्री कितना हो गया भाई फाइव हो गया, तो ये प्लस फाइव यहां पर अब लगा देंगे। मतलब थोड़ा सा इसमें ये काम करने के डायरेक्ट इससे पहले सवाल में क्या हो रहा था, ओवरऑल जितना भी आ रहा था उतने उसका एडिटिव इनवर्स ले रहे थे, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा चार्ज लगा हुआ है तो उसके साथ उसको फिर माइनस भी करना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट आप सॉल्व करके कर रहे हैं। अच्छा देखिए सारे आंसर्स मैं बता रहा हूँ अब, और सब शॉर्टकट में यहाँ पर मैं सारे इसे 8 से लेकर 12 तक सारे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का तो प्लस 4 निकला कार्बन, ठीक है, बाकी भी सल्फर, 7th में SO4 माइनस 2 में प्लस 6 निकला सल्फर, Na2S2O3 में सल्फर प्लस 2 निकला, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ 6 तक तो मैंने खुद ही मतलब क्लास में ही मतलब के सॉल्व कर दिया है, ठीक है 6 तक। 7 की बात कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आप शॉर्टकट मेथड देखो इसके अंदर, तो ये ऑक्सीजन एक का हो गया यहाँ पर माइनस एट, इक्वल टू उधर गया प्लस एट, प्लस एट माइनस टू क्या हो गया भाई प्लस सिक्स। अच्छा यहाँ पर ऐसे नहीं कि आप प्लस इसको फिर माइनस सिक्स कर दो, क्योंकि आप पहले ही उसको इक्वल टू आप लेकर जा चुके हो, तो जो आया वो डायरेक्ट लिखना है। Na2S2O3 में देख लो शॉर्टकट डायरेक्ट, एक ऑक्सीजन का होता है माइनस टू, छः का हो जाएगा माइनस सिक्स, थ्री का हो जाएगा माइनस सिक्स, सोडियम, एक सोडियम का होता है प्लस वन, दो का हो जाएगा प्लस टू, तो प्लस माइनस सिक्स और प्लस टू ये हो जाएगा आपके पास क्या हो गया, ये आपके माइनस सिक्स और प्लस टू ये हो गया माइनस फोर, उधर पे किया क्या हो गया इक्वल टू के प्लस का फोर हो गया, फिर ये टू जो है वो डिवाइड पे चला गया, तो फोर डिवाइड बाय टू कितना हो गया टू आ गया आंसर, यहाँ पर प्लस टू हमने लिख दिया डायरेक्ट। एन इन एन सी एल थ्री, क्लोरीन का एक का माइनस वन, तीन का माइनस थ्री, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा सिंपल डायरेक्ट प्लस थ्री हो जाएगा। एच एन ओ थ्री में नाइट्रोजन निकालना है, हाइड्रोजन कितना प्लस वन, ऑक्सीजन कितना एक का माइनस टू, तीन का कितना माइनस सिक्स प्लस वन कितना माइनस फाइव, वोल्ट उधर पे किया क्या हो गया प्लस का फाइव, ठीक है। क्रोमियम के निकालना है के टू सी आर ओ फोर में, पोटेशियम एक का प्लस वन, दो का कितना हो जाएगा प्लस टू, ऑक्सीजन एक का माइनस टू, चार का कितना हो जाएगा माइनस एट प्लस टू कितना माइनस सिक्स, इक्वल टू उधर किया क्या हो गया प्लस का सिक्स, के टू सी आर टू सेवन, पोटेशियम एक का प्लस वन, दो का प्लस टू, ऑक्सीजन एक का माइनस टू, सात का माइनस फोर्टीन, माइनस फोर्टीन प्लस टू कितना हो गया माइनस का ट्वेल्व, इक्वल टू उधर गया क्या हुआ
प्लस का 12, अब यहाँ 2 लिखा हुआ है सीआर के नीचे, ये 2 उधर पे जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड 12/2, कितना आंसर कितना आएगा, 6 आ जाएगा, प्लस 6 आंसर। कार्बन इन C2H6O, C2H6O में कार्बन, हाइड्रोजन 1 का प्लस 1, 6 का प्लस 6, 1 ऑक्सीजन का माइनस 1, माइनस 2 हो जाएगा, 2 का 1 का प्लस 6 और माइनस 2 कितना हो गया, प्लस 4 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये प्लस 4 हो गया, इक्वल टू के उधर पर गया तो क्या हो गया, माइनस 4 हो गया, और 2 यहाँ पर कार्बन के डिवाइड पे चला गया, तो माइनस 2 आंसर आ जाएगा इसका, कार्बन का। यहाँ पर Mn in KMnO4, पोटेशियम 1 का प्लस 1, ऑक्सीजन 1 का माइनस 2, 4 का माइनस 8, माइनस 8 प्लस 1 क्या, माइनस 6, तो Mn कितना निकल गया, प्लस का 7, K2MnO4 देख लो, 1 का K का प्लस 1, 2 का प्लस 2, 1 ऑक्सीजन का माइनस 2, 4 का माइनस 8, माइनस 8 प्लस 2 कितना, माइनस 6, तो Mn कितना हो गया, प्लस 6। लास्ट सवाल, MnO4 माइनस, Mn का निकालना है, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन का कितना हो गया, माइनस 2, 4 का कितना हो गया, माइनस 8, इक्वल टू किधर गया, प्लस के 8, प्लस के 8 के साथ माइनस 1 हो गया, कितना हो गया, प्लस 7 मैंगनीज, समझ में आ गया सारा, ओके।